अगर आपके शरीर में दर्द रहता है या फिर थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, आलस बना रहता है, अकड़न रहती है, मांसपेशियों में खिंचाहट होती है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही असरदार एक रेमेडी लेकर आई हूँ। यह बर्फ जैसा दिखने वाला रेमेडी बहुत ही पहले से प्रयोग होती आ रही है और यह इसका अगर सेवन सही तरीके से करना आप जान लेंगे तो आप सालों साल आपकी जवानी बनी रहेगी और आपके शरीर के कई सारे रोगों को यह दूर कर देगा। आयुर्वेद में ऐसे ही जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य के पूरे स्वास्थ्य को पल भर में चंगा कर सकती हैं। आज हम गोंद कतीरे के बारे में बात करेंगे और इसके सही तरीके से प्रयोग करने के तरीके भी जान लेंगे। दोस्तों, यह पेड़ से निकलने वाला एक पीले रंग का गोंद होता है और इसका प्रयोग हम गर्मी या बारिश के मौसम में करते हैं। वैसे तो इसके सर्दी में भी हम ले सकते हैं, लेकिन सर्दी में इसे लेने से इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसीलिए ज्यादातर यह गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, ये छूने में चिपचिपा जैसी होती है और बेस्वाद होती है, इसकी कोई स्वाद नहीं होती, लेकिन बात की जाए इसकी फायदे की तो वो अनगिनत है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए इसका सेवन जैसा हमने बताया कि आप अभी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में दर्द ना हो, आपके शरीर में कब्ज ना हो, जलन ना हो पेट में और जोड़ों में दर्द ना हो, शरीर में गंदगी है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर में त्वचा के रोग को भी दूर कर देता है। अगर पुरुषों में शीघ्रपतन की समस्या है तो उससे भी छुटकारा दिलाता है। महिलाओं में अस्तन में वृद्धि करने में यह सुधार करता है और प्रसव के समय अगर आपको कमजोरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपको इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हृदय रोग का खतरा कभी भी नहीं आएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ खास लाभ क्या क्या हैं। हम बार बार बिना कुछ काम किए आराम करने के बाद भी हमें थकावट होती रहती है, तो इस में आपको इस गोंद कतीरे का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इसमें ढेर सारा प्रोटीन, फोलिक एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से शरीर को तुरंत ताकत मिल जाती है और इसे खाने से खून भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इसका सेवन 20 ग्राम एक दिन में करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में दर्द दूर हो जाएगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अकड़न, ऐंठन की समस्याएं दूर कर देता है। अगर महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित हो गई हैं, यानी कि मासिक धर्म सही वक्त पर नहीं आता या बहुत कम या बहुत ज़्यादा आता है, तो भी आप इसे ले सकती हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं। ताकत भर देगा शरीर में, वजन को घटाने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। गोंद कतीरा शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इसमें पाया जाने वाला हाई फाइबर कंटेंट हमारे अधिक समय तक हमारे शरीर को भरा हुआ रखता है और जिससे गट हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और साथ में हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसके लिए आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है आगे देखते रहिए। दोस्तों, पुरुषों में भी यह बहुत फायदेमंद है। जैसा कि हमने बताया कि पुरुषों में अगर कमजोरी हो रही है तो इसका सेवन करना चाहिए। बदलते मौसम में खासकर टॉन्सिल्स में यह बहुत राहत देता है। अगर आपको भी टॉन्सिल्स की समस्या है, यानी गले में खराश या बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तो आप इसका सेवन अवश्य ही करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुँह के छाले को भी दूर कर देता है। बार बार अगर आपको अल्सर की समस्या हो गई है या फिर मुँह में छाले होते हैं, सूजन, लालिमा, दर्द रहता है, दांत में से खून आता है, तो भी आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। छालों पर अगर आप लगा देंगे ना, तो वहां पर दर्द दूर हो जाती है। आंखों में जलन अगर होती है, थकावट होता है, तो आंखों पे लगाकर छोड़ दें फेस पैक की तरह, तो आंखों में ठंडक मिलती है। दोस्तों, अगर महिलाएं भी कमजोरी महसूस करती हैं, पूरे दिन काम करने के बाद थकावट लगती है, रात को नींद नहीं आती है, तो आप इसका सेवन करिए, आपके शरीर से थकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर गर्मी के मौसम में आप बार बार आपको लू लगने की समस्या है या हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो भी आप इसका सेवन करिए, आप इसे लेना शुरू करें, नींद अच्छी आएगी और शरीर में लू लगने की समस्या दूर हो जाएगी। गोंद कतीरे का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि यह प्राकृतिक चीज से बनकर तैयार हुआ है, तो इसीलिए यह किसी पेड़ के गोंद से मिलती है, इसीलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं है, आप इसका बेधड़क सेवन कर सकते हैं। यह हमारे शरीर के हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसे नसें, आंतों में अगर ब्लॉकेज हो जाती है, नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से सांस फूलने लग जाती हैं, कई तरह की समस्या होती हैं, ये उनको भी दूर करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसे आराम से खाइए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों,
ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो गई है, बार बार ऐंठन रहती है, अगर आपके कमर में दर्द है या किसी प्रकार के भी जोड़ में दर्द हो गई है, तो आपको क्या करनी चाहिए, इसका प्रयोग किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको एक गिलास पानी ले लेना है, गोंद कतीरा ले लेना है, यह कुछ इस प्रकार से दिखता है सूखा हुआ। इसे आपको एक कटोरी में डालना है एक चम्मच, और इसमें पानी भर के आधा कप छोड़ देना है, और इसे आप 4 से 5 घंटे छोड़ दें। आप देखेंगे कि ये बर्फ के जैसा, जैसे बर्फ को हम अगर घिस दें तो इस प्रकार से चूरा चूरा हुआ हुआ बर्फ आपको यह बनकर फूलकर तैयार हो जाएगा। अब इस गोंद कतीरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दूध के साथ अगर आपको लेनी है तो दूध के साथ आप 1 गिलास दूध में आप 2 चम्मच गोंद कतीरे को मिलाकर और इसमें धागे वाली मिश्री स्वाद के लिए मिला लें, और इसे आप रात में सोने से पहले ले लें। नींद अच्छी आएगी, शरीर में थकावट नहीं रहेगी, सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको बहुत रिफ्रेश जैसा महसूस होगा। अकड़न, जोरों का दर्द, थकावट, कमजोरी सभी कुछ दूर हो जाएगा और शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, आइए एक और रेसिपी बता देती हूँ। अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं या फिर इसके स्वाद का मजा लेने चाहते हैं पूरे परिवार के साथ और दूध के साथ नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 1 गिलास पानी ले लें और इस पानी में 2 चम्मच स्पून कतीरे को डाल दें। पानी एकदम ठंडा जैसा हो जाएगा और इसमें आपको मिला देना है नींबू का रस। नींबू का रस भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हम सभी जानते हैं, और शरीर में विटामिन सी की कमी को दूर करता है। तो इसे मिलाकर और इसमें आपको धागे वाली मिश्री को पीस लें और उसमें से अपने स्वाद अनुसार मिठास मिलाकर और इसे लेना शुरू करें। इसे आप सुबह सुबह ले सकते हैं, सुबह सुबह आप या फिर किसी भी वक्त आप इसका सेवन करें। यह आपके पेट की गर्मी को बाहर निकालेगा, सीने में जलन हो रही है उसको निकालेगा और शरीर में कई सारे फायदे देगा जिससे आप इसका भरपूर मजा ले सकेंगे। तो आज से ही इसे लेना शुरू करें और मुझे लिखकर अवश्य बताएं इन दोनों ही रेसिपी में से आपको कौन सी अच्छी लगी, दूध वाली या फिर पानी वाली। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। शुक्रिया।